हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष चिकना पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा सीईटी का एग्जाम अभी 5 और 6 तारीख का होने के लिए जा रहा है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सीईटी के एग्जाम के बारे में कि कब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, पूरी अपडेट आपके समक्ष बताने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब की बार जो पेपर करवाएगी NTA करवाएगी, NTA के तहत और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत दोनों असमंजस में है। तो दोनों आपके पास यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में हर प्रकार की अपडेट आप तक तुरंत ऑटोमेटिक आ सके CET संबंधित। तो बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्या अपडेट आई है, कब एडमिट कार्ड जारी होंगे। कई कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो उन्हीं बात को मद्देनजर रखते हुए आपके समक्ष ये वीडियो लेके आए हैं। बात करते हैं आपके समक्ष 30 से मिलेंगे CET के रोल नंबर। तो रोल नंबर पोर्टल पर 30 तारीख को डाले जाएंगे। 100 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। शहरों में बस अड्डों से केंद्रों तक बसों का इंतज़ाम किया जाएगा। बस जैसे कि आपके पास आप हो, जैसे कि पलवल हो, तो पलवल से आपका जो आसपास है दूरी है 100 किलोमीटर के रेंज की, तो उसमें आपका पेपर होगा। ज़्यादा दूर परेशान आपको नहीं करेंगे। जो आपका परेशान किया गया था HSSC के थ्रू, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो काफ़ी दूर पहुँचाया गया था, उसमें 300-300 किलोमीटर दे दिए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहली बात, खुशखबरी आपके लिए ये है, 100 किलोमीटर की रेंज में आपका सेंटर होगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपका सेंटर है, तो बस अड्डे से लेके आपके पास बस का इंतज़ाम स्पेशल होगा सेंटर तक का। बहुत ही बड़ी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं इसके तहत क्या क्या दे रखे हैं। 5 और 6 लंबे रूट पर ज़्यादा सर्विस यहाँ पे दे रखे हैं। 5 ये ऊपर देख सकते हैं, परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों की बस लगाने की तैयारी पूरी पूरी कर दी गई है। ये अपडेट भी जारी हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पोर्टल बसों का कब क्या होगा। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि रोडवेज जो बसें हैं उसमें फ्री सर्विस कर दी जाएगी, रोडवेज बस फ्री चलेंगी। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए कब उनका पोर्टल जारी होगा यहाँ पे देख लें। पोर्टल से पता चलेगा कि कितनी बसों की दरकार है। तो यहाँ पे आप पूरी अपडेट देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपके समक्ष लेके आए हैं। यहाँ पे रोडवेज की पत्र यहाँ पे लिखा था। फिर है कि ट्रेनिंग करने वाले कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगेगी। जैसा कि आप जानते हैं, 11.36 लाख युवा पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उसके ठहरने के इंतज़ाम सारा इंतज़ाम किया जाएगा, तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेनिंग करने वालों के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे बात बताई गई है। बस स्टैंड और आपके पास रेलवे स्टेशन पर आपको गाइड किया जाएगा। वहाँ पे बंदे आपको मिलेंगे कि आप जैसे दूर से आ रहे हो तो आपका सेंटर कहाँ से क्या होगा, तो पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पे दे भी रखा है कि 30 तारीख, देखो आप देख सकते हैं, 30 अक्टूबर से आपके रोल नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका पेपर होगा, ये तो कन्फर्म है, आपका पेपर होगा 5 और 6 नवंबर को। 100 किलोमीटर दूर आपका दायरा नहीं होगा। बस स्टैंड जैसे आपके लोकल बसें पहुँचेंगी तो वहाँ से आपकी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएंगी। यहाँ पे दोनों के दोनों एसपंजस में थे, तो आपके पास दोनों के दोनों खट्टर भी और भोपाल सिंह खत्री भी कि परीक्षा कैसे करवाई जाए, क्या है, तो पूरी अपडेट आपके समक्ष है। 5 और 6 को आपका पेपर कन्फर्म है, आपके एडमिट कार्ड 5 दिन पहले आ जाएंगे, 30 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जो भी वीडियो की जानकारी आगे CET संबंधित होती है आपके चैनल के ऊपर डाल दी जाएगी। फिलहाल के लिए एडमिट कार्ड संबंधित ये बड़ी न्यूज़ थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक इस न्यूज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।